हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एक्वेरियम लवर। जैसा कि आज हम आए हैं न्यू टॉपिक के साथ, तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है वो है वाइट स्पॉट, रेड स्पॉट या फिर फिनरूट जैसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी इजी ट्रिक में अपने घर पर। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, और आपको भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरी ये जो वाइट गोल्डफिश है फ्रेंड, इसके जो फिन पर स्पॉट जैसी डिजीज़ हो गई है, रेड स्पॉट जैसी, तो फ्रेंड इसको कैसे हटा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो डिसीज़ होती है, ये बीमारी होती है फ्रेंड्स, होती कैसे, ये फ्रेंड्स इसलिए होती है कि या तो आपकी जो वाटर है उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, और या फिर आपकी जो फिश है या एक्वेरियम है उसका पानी क्लीन नहीं रहता। तो फ्रेंड्स आप अपने जो है वाटर क्वालिटी अच्छी रखें, और वाटर और जो एक्वेरियम है उसको अगर टाइम पर क्लीन करते रहें, तो फ्रेंड्स ऐसी बीमारी होने के कम चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको एक बकेट लेना होगा, बाल्टी, और फ्रेंड उसमें आपको रॉक साल्ट डालना होगा, जो कि जो डेली वाला नमक आता है उसको डालना है, और जो ब्लू कलर की मेथिलीन ब्लू या रेड ऑयल्स की एंटी चाहती है उसको ले लें, और उनको दोनों को डाल के और उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें कि मेडिसिन मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स उसके बाद अपनी फिश को निकालें, जिसको प्रॉब्लम है उसको आप ट्रीटमेंट दें, बस ज़्यादा नहीं 10 सेकंड तक आप उसको उस पानी में रख दें, डाल दें, और फ्रेंड उसके बाद उसको निकाल लें, और उसके बाद उसको फ्रेंड्स नॉर्मल वाटर, फ्रेंड्स उसको नॉर्मल वाटर से आप क्लीन कर दें, और उसके बाद आप उसको मेन टैंक में शिफ्ट कर दें। और फ्रेंड्स चाहें तो आप लोग उसको एक उसका टैंक अलग सेटअप भी कर सकते हैं, बकेट लेके क्वारंटीन टैंक वगैरह बनाकर आप मेडिकल टैंक बनाकर उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको जो मेन टैंक है वो आपका सही रहेगा, और उसमें और भी जो भी फिश हैं उनको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं तो अभी फ़िलहाल अपने इसी टैंक में ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद फ्रेंड्स उसको ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद फ्रेंड्स फ़िल्टर जो है उसको बंद कर दें, और फ्रेंड उसके बाद आप उसमें जो रेड ऑयल्स का आता है जर्नल लीड उसको डाल दें आप। उस पर लिखा रहता है पीछे कि 25 लीटर में 5 ml डालना होता है, तो उसके हिसाब से आप जितना भी आपका हो टैंक उस लीटर के हिसाब से उतना आप डाल दें, और डालने के बाद फ़िल्टर को बंद कर दें, और ऑक्सीजन आप चालू रहने दें पूरे जब तक आपकी फिश रिकवर नहीं हो जाती। उसके बाद आप फ़िल्टर चालू करें। फ्रेंड आपको 2 days तक दाना नहीं डालना है अपने एक्वेरियम में, खाना नहीं देना है, उसके बाद आप उसको फिश को खाना दे सकते हैं। आपको अपनी फिश को 2 दिन तक खाना नहीं देना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने जो मेन टैंक है उसमें एक हीटर लगा दीजिए। उससे फ्रेंड्स क्या होता है कि फिश को एक टेम्परेचर सही मिलने से फ्रेंड्स फिश जो है वो जल्द ही रिकवर हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक हीटर ऐड कर दें, और हीटर का टेम्परेचर जो है वो 30% पर सेट कर दें। इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग जब भी ऐसी डिसीज़ होती है तो आप लोग या तो उस फिश को अलग ही रखिएगा, क्योंकि उससे ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो मेन टैंक है वो सेफ़ रहता है, और जो बाकी फिश हैं वो सेफ़ रहती हैं और सिक्योर रहती हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो उसको फिश को अलग भी क्वारंटाइन कर सकते हैं, अगर वो नहीं करना चाहते तो फ्रेंड्स आपको डेली 4 या 5 days के लिए डेली आपको 50% वाटर आपको अपने एक्वेरियम का डेली चेंज करना पड़ेगा, और 50% वाटर न्यू एड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं भी वही कर रहा हूँ, 50% वाटर चेंज कर रहा हूँ, और चेंज करने के बाद न्यू ऐड करूँगा, और न्यू ऐड करने के बाद ही हीटर लगाऊंगा, फिर न्यू मेडिसिन डालूंगा। फ्रेंड आप फ़िल्टर ना चालू करें, क्योंकि फ़िल्टर जो है वो मेडिसिन को बहुत जल्दी रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो फ्रेंड्स आप अगर फ़िल्टर करना यूज करें तो बढ़िया रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।